स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण करने मात्र से ओम भगवान का सबसे बड़ा नाम है, जिस नाम में सारे नाम, सारे मंत्र, सारे भगवान के रूप, सारे स्वरूप, भगवान के सारे गुण, कर्म, स्वभाव, सामर्थ्य, ऐश्वर्य सब समाहित है। ओंकार का तो अर्थ ही है जो सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वकर्ता है, सर्वनियंता है, सबके आश्रयदाता है, जिसके समान कोई दूसरा महान नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, जो अद्वितीय है, अप्रतिम है। एकम एव अद्वितीयम्, जो मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत का, पिंड और ब्रह्मांड का, सबका आश्रय दाता है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, कृपा करो, रहम करो, दया करो, अनुग्रह करो, प्रभु आशीष दो। और प्रभु तो अपने आशीषों से सदा हमें आशीषित करते ही हैं, अपने अनुग्रह में सदा रखे ही हुए हैं। जिसको अध्यात्म में प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, गीता, उपनिषद, वेदांत, इसका एक बहुत बड़ा सत्य है कि हम सदा ही मुक्त हैं, हम सदा ही प्रभु से युक्त हैं। बस बात इतनी सी है कि हम इस मुक्ति को, इस अनुभूति को अनुभव करें और फिर ये अनुभूति हमारी टूटे नहीं। एक वाक्य मैं बार बार प्रयोग करता और यह मेरे जीवन का आध्यात्मिक अनुभव है, यह व्यवहारिक अनुभव है, यह व्यवसायिक अनुभव है, यह वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक अनुभव है, अनुभूति है। जिस सात्विकता में,
जिस दिव्यता में, जिस संकल्प में, जिस ध्येय में हम जीते हैं, बस उससे नीचे ना है, इसी को मैं विकल्प रहित संकल्प और उस संकल्प में पूरे प्रतिष्ठित होने के लिए और उस संकल्प की पूर्ति के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, इसी को मैं कहता हूं अखंड निष्ठा, अखंड योग निष्ठा, अखंड ज्ञान निष्ठा। ज्ञान हमारा खंडित ना हो, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास भगवान के साथ, हमारी एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता खंडित ना हो। अखंड ज्ञान से, आलोक से, प्रकाश से हम प्रकाशित रहे, एक क्षण के लिए भी अंधेरा ना आए, तमस ना आए, अज्ञान हमें आना घेरे, एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा, अविश्वास, अप्रीति, प्रभु से पृथकता ना अनुभव करें हम। एक क्षण के लिए भी हमें प्रमाद ना है, हम पुरुषार्थ से युक्त रहें, पुण्य से युक्त रहें, सेवा से युक्त रहें, स्वरूप में रह करके स्वधर्म का, स्वकर्म का, स्वकर्तव्य का निर्वहन करें। एक क्षण के लिए भी हम नीचे ना आए, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसः। प्रमादो मृत्यु अप्रमादो मृतपदम्। अब हमने ध्यान लगाया तो बस ध्यान में लो लग गई, अब आत्म ज्योति जग गई, अब ब्रह्म ज्योति जग गई। चाहे आज्ञा चक्र में मन को टिका ले, चाहे सहस्रार में लगा ले अपने मन को, चाहे हृदय चक्र में, जिनका मन अत्यंत सात्विक है, जिनका जीवन निर्दोष है, जिन्होंने जीवन में हिंसा, क्रूरता, खून खराबा नहीं किया, जिन्होंने जीवन में झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार संग्रह, आपाधापी नहीं की है, जिनके भीतर कोई अंतर्द्वंद्व नहीं है, जिनमें कोई भयभ्रांति नहीं है, जिनमें कोई अशांति नहीं है, असंतोष नहीं है, अशुचिता नहीं है आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, संबंधों की, पवित्रता है जिनमें, कोई अपवित्रता नहीं है, जिनमें कोई विलासिता नहीं है, कामनाओं का वेग नहीं है, जिनमें आस्तिकता है। एक बहुत बड़ा शब्द है आस्तिकता, और जो आस्तिक नहीं उनको नास्तिक कहा जाता है। आस्तिकता का अर्थ है अस्ति नास्ति दिष्टम मति, जो अस्ति है ऐसा मानता है, मैं हूं, मेरा बनाने वाला परमात्मा है, और इस सब को बनाने वाला एक परमात्मा है जो ये मानता है और मान करके वैसे ही जीता है, ये आस्तिक। मैंने जीवन में बहुत तर्क वितर्क किए, हमेशा किसी भी बात को लॉजिकली कहता हूँ, साइंटिफिकली कहता हूँ, उसको वैसे एक्सप्लेन भी करता हूँ, और संविधान में भी कहा है, वेद में भी कहा है, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से चलो, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ काम करो, लेकिन तर्क से भी परे एक और सत्य है, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, मानना। तो मैंने स्वीकार किया है कि मेरे भीतर परमात्मा ने अनंत ज्ञान शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य दिया है, लेकिन मुझसे महान एक और शक्ति है जो सबको तारती है, जो सबको उभारती है। तारक नाम तुम्हारा, मैं आपकी शरण आया। एकाग्रता यदि क्षण में बन जाए तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो अपने आप को रूपांतरित करो, सब दिशाओं से अपने मन को केंद्रित करो, अपने आप को विवेक पूर्वक एकाग्र करो, भक्ति पूर्वक एकाग्र करो, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास पूर्वक एकाग्र करो। शनै शनै उपरमेत, शनै शनै उपरमेत, बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। एक प्रभु के सिवा और कोई मन में न भाए, न कोई नजर आए, प्रभु तो ही तो। वासुदेव सर्वमीश वासमिदं सर्वम्, सियाराम मई सब जग जाने करो, प्रणाम जोड़ी जुग पानी, हरि व्यापक सर्वत्र समान, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, प्रभु तो ही तो। प्रभो तेरी शरणागत, उद्धार करो प्रभु, अब भव पार करो प्रभु। हम प्रभु को स्वीकार करें, प्रभु तो हमें स्वीकार किए हुए, अपने आश्रम में, अपने आलिंगन में, अपने आलंबन में हमें लिए ही हुए। ऐसे विचार से जिनका मन केंद्रित हो जाए, तो ये सब विचार समाधि, ये भाव समाधि, ये संकल्प समाधि, ये सहज समाधि, ये जीवन मुक्ति की स्थिति। नहीं तो प्राणायाम पूर्वक कपालभाति करें, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करें और इस देह से भी परे, इस पिंड से भी, ब्रह्मांड से भी, इस दृष्टि से भी परे एक अदृष्ट अप्रत्यक्ष अनिर्वचनीय अमूर्त विश्वातीत शक्ति भी है, उसके साथ जितना हो सके अपने आप को जोड़िए। एकाग्रता, स्वीकार्यता और दिव्यता, ये तीन चरण हैं ध्यान के, समाधि के, भक्ति के। है तू प्रभु केवल हा
हटे जो ओम नमो नारायण रटे जो तू प्रहलाद को तारा के साथ एकात्म आ जाए और फिर ये एकात्मता खंडित ना, इसी को मैं बार बार कह रहा हूं। अखंड भक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड कर्म, अखंड निष्ठा, अखंड योग निष्ठा, अखंड संबंध निष्ठा, अखंड राष्ट्रनिष्ठ, अखंड धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, स्वधर्मनिष्ठ, स्वराष्ट्र में निष्ठ, स्वसंबंधों में निष्ठ, ब्रह्म संबंध में निष्ठ, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा, ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठा। शब्द जितने भी कहे सत्य एक ही है, हमें एक अनिष्ठ रहना, आत्मनिष्ठ रहना है, गुरुनिष्ठ रहना है, ब्रह्मनिष्ठ रहना है। ऋक्षलोकान कर्मचतान ब्राह्मण निर्वेदमायात नास्त्य कृतकृतेन तद्विज्ञानार्थम सगुरमेवादि गच्छित समित पाणि ब्रह्मनिष्ठम। जब हमारी भगवान में निष्ठा अखंड हो जाती है तो फिर हम एक अदृष्ट सत्ता के संपर्क में आ जाते हैं। इसी को कहते हैं अतींद्रिय ज्ञान,
अतिंद्रिय सुख शांति, अतिंद्रिय अनुभूति, अतिंद्रिय शक्ति सामर्थ्य, अतिंद्रिय ऐश्वर्य की प्राप्ति। हमें कुछ पाना नहीं है, कोई कामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई चाह नहीं है कि हमें प्रभु से कुछ पाना है, लेकिन प्रभु को तो पाना ही है। और जब प्रभु मिलते हैं तो प्रभु का अनंत ऐश्वर्य ऐसे ही मिलता है जैसे किसी पिता को की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सहज होता। हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के बेटे बेटियां, भगवान के दिव्य संतानें हैं। इंद्र कृतम नाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षण अस्मिन् पुरोहितया मनि जीवा ज्योति अशिमय। हम भगवान की अनंत ज्योति से युक्त हो जाते हैं। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्य अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिश। ओम तत्सत्। ओम इतिकाक्ष एक ओंकार सतना प्रभु तेरी शरणागत, तेरी शरण। ओम यात्मदा बलदायस्य विश्वपासके प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविष्यते। प्रभु आपने आत्मा दी है, आपने ही जीवन दिया। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वामवेशाय। अवरक्षण आप ही सर्वरक्षक हैं। गति सब प्रकार की गति शक्ति सामर्थ्य गति स्त्री अर्थ भवन्ति ज्ञानम गमनम प्राप्ति रीति। आपसे ही सब गति है, प्रगति है, उन्नति है, उत्कर्ष है, उत्थान है। आपकी ओर ही सब प्रस्थान कर रहे हैं। यह आत्मदा बलदा आप सब प्रकार के बल के देने वाले हैं। यस्य विश्वोपासते सारा विश्व आप ही की वंदना कर रहा है। ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां, ये कलरव करते हुए पंछी, ये सारी प्रकृति, ये सारा अस्तित्व, ये सारी सृष्टि, सारी कायना प्रभु तेरी ही वंदना कर रहा है। ये सारा विश्व यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा। और आपका विधान ही इस पिंड में ब्रह्मांड में काम कर रहा है। अवरक्षण गति कांति आपकी कांति, आपका ही तेज सब और प्रीति, आप सबसे प्रीति करते हैं सब प्रकार से। और आप ही का परम प्रीति करने योग्य है प्रभु। और आपकी प्रीति में ही पूर्ण तृप्ति है। अवरक्षण कांति प्रीति तृप्ति अवगम आप हमारे मन से वचन से कर्म से उठते बैठते सोते जागते जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरी अवस्था में जो कुछ घटित होता है सबको जानते हो। और आप ही एक जानने योग्य मानने योग्य पाने योग्य। आपके सिवा और प्रभु यहाँ है ही क्या? तेरा ही तो सब कुछ है, तुझसे ही तो सब कुछ है, तेरे लिए ही तो सब कुछ है। मैं सब प्रकार से तेरा होकर के जीऊं।
मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठो करना कहीं जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाओ दुनिया उपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में नाम भले ही देना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे तो करना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तू ही बस मेरा ऐसा साथ नहीं तजता, तू ही बस मेरा ऐसा है दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं तेरा भी प्यार कहीं, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे जो करना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों में ज्योति छलकती हो, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो, तुझसे मधु ऐसा मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोना कहीं, तुझसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे तो करना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना क्षण गति कांति पीते तृप्ति अवगम। प्रभु तेरे सिवा बिना हरि के प्रवेश आपने सदा प्रविष्ट रहो, आविष्ट रहो, आकर्षित रहो, आवि प्रतिष्ठित रहो, तुझमें सदा स्थित रहो, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी प्रभु तुझसे भिन्न अनुभव ना करो। भोर में उठ करके हम ध्यान इसीलिए करते हैं कि फिर दिन भर हम ध्यान अवस्थित रह करके ध्यान से सब काम करें, भगवान के नाते सब काम करें, योगस्थ होकर के योगस्थ कुर करवाणे, ब्रह्मणी आधाय करवाणे,
योगस्थ होकर के, ब्रह्मस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के, राग से, आसक्ति से, फल की इच्छा से मुक्त होकर के, भगवान की पूजा मान करके सब कर्म करे। यदा प्रवृत्तिर्भूतान येन सर्वमिदं कृतं स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्री श्री कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वामी, आप सबकी सुनते हो प्रभु, सब प्रकार से बिना कहे सबकी सुनते हो, सबका उद्धार करते हो, भव पार करते हो, सबको स्वीकार करते हो। आप ही हम सबके स्वामी हो, आप ही सर्वसमर्थ हो, हमारे अर्थ हो, हमारे जीवन के प्रयोजन हो, हमारे पुरुषार्थ हो, परमार्थ हो, परम ध्येय हो, परम आराध्य हो, आप ही हमारे परम प्रेम हो, आप ही सर्वोपरि हो, आप ही सर्वस्व। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यार्थ याचना, आपसे यही याचना करते हैं, आपकी शरणागति में रहे। सारी क्रियाएं, सारी इच्छाएं सब आपके नाते हो, हमारे तेरे। सिवा और कुछ न चाह न रहा, मेरी सारी क्रियाओं, सारी इच्छाओं, सारी चेष्टाओं के गंतव्य है मेरे ध्येय, मेरे आराध्य, मेरे साध्य, मेरे साधन, सब कुछ प्रभु आप। दीप्ति आपकी सब ओर है, अवाप्ति सब ओर है प्रभु। दीप्ति अवाप्ति आलिंग, आपके आलिंगन में आपके आश्रय में, आपके शरणागति में, आपके सन्निधि में, आपके अनुग्रह, आपके आशीषों में सदा आशीषित रहो। और जो तेरे मार्ग से मुझे हटाए प्रभु, उनको हटा देना। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, प्रमाण, परिवेका, पवित्रा, स्मृति, क्लिष्ट, जो दुर्विचार, जो दुर्भावना, जो दुष्कर्म, जो दुर्गुण, जो दोष, जो दुर्बलता है, जो हिंसा, जो झूठ, जो बेईमानी, जो कामनाएं, जो तृष्णाएं, जो असुचिताएं, जो असंतोष, जो विलासिताएं, जो नास्तिकता, आत्मुखता, जो भी अशुभ है, उसको हिंसा, उसको हटा देना। आदान अपने आश्रय में, अपने शरणागति में, अपने आगोश में प्रभु सदा, और मैं सदा में बढ़ता रहूं आपके दिव्य तेज में, ऊपर उठता रहो एक क्षण के लिए भी नीचे ना, और ध्यान दे पुरुष सदा प्रकाशित रहो प्रभु आपके प्रकाश से। ऐसे प्रतिष्ठा होती, ओम बोलते ही भगवान में बस प्रतिष्ठित हो गई, ध्यान लग गया, समाधि लग गई, अब इससे नीचे नहीं आ, ओम के हो गए तो बस ओम के ही हो गए, ओम के हम हो चुके हैं, देवपद के पथिक हैं। जब भगवान के हो जाते हैं तो फिर सारे भोग, सारे विकार, सारे दोष अपने आप दग्ध हो जाते हैं, सारे रोग, सब क्लेश, सब व्याधियां, जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके, व्याधियां तन की मिटी और उत्तराण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं, ओम के हम हो चुके,
पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलता पत्र को धो चुके, जीते जी भगवान के हो गए, जीते जी मोक्ष हो गया। सत्य प्रेम करुणा ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग में मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता में प्रतिष्ठित हो गए, तो फिर जीते जी मोक्ष हो गया। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम, अध्यात्म में विश्राम है, परम विश्राम, मल तापत्र को धो चुके, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक सब ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज का हुई नहीं जाता। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके हैं, आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके, भूम की हम हो चुके, दीव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के वेद पथ के पथिक, यथा नद्यः सन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वानां रूपाद् विमुक्ताः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। सब नाम और रूपों में प्रभु आप, और नाम और रूप से परे भी आप ही हो, विश्व में आप हो, विश्वातीत आप हो, सब भावों में आप हो, भावातीत आप हो, सब गुणों में आप हो, गुणातीत आप हो, सब संबंधों में आप और सब संबंधों से अतीत भी आप हो। इसलिए ध्यान के समय यदि कोई संबंध की, कोई स्वरूप की, कोई सुख की, कोई कामना की स्मृति आए, तो सब में भगवान को बैठा तो भगवान को ही अर्पित कर दो। प्रभु सब स्वरूपों में आप, सब सुखों में आप, सब संबंधों में आप, सब स्मृतियों में प्रभु आप ही हो, आपकी सिवा है क्या, तेरा ही तो सब कुछ। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा, प्रभु तेरे सिवा और यह है। ऐसे एक तल्लीन हो गए और अक्षणगत कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रोण स्वाम्य अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन साधारण ओम भू प्रभाव भू प्रण भू दुख विनाश स्व सुखदाता तत्सवितुर्वरेण्यम् हे सविता पिता परमेश्वर आप ही वरण भर का, आपके इस भर का हम वरण करें, धारण करें, देव से दिव्यताओं से युक्त हो, आपकी सब दिव्यताओं को धीम ही हम धारण करते, आपकी दिव्यताओं से युक्त रहे, आपसे सदा युक्त, सदा विकारों से, दोषों से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से मुक्त रहे, देवस्य धीमहि, देवस्य भर्गः वरेण्यम्। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गः देवस्य धीमहि। प्रभु आप मैंने धारण किया, स्वीकार किया, आपका आश्रय किया, धियो यो न प्रचोदयात्। यमनियमासन प्राणायाम प्रत्यारधारण ध्यान समाधय अष्टांगानी अष्टांग योग के मार्ग पर अहिंसा सत्यस्थिय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय स्वप्रणिधान यम नियमों के मार्ग पर ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कर्म योग के मार्ग मुझे आगे बढ़ाना, प्रभु आत्मसंयम के मार्ग पर आगे बढ़ाना, तेरे पथ पर अनंत के पथ पर मैं आगे बढ़ सकूँ, ऐसी बुद्धि देना, ऐसी मति देना, ऐसी भक्ति देना, ऐसी प्रेरणा देना, ऐसी शक्ति देना, ऐसा सामर्थ्य देना। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
शरणं प्रचोदय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐमसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। प्रभो अशुभ से हटाओ सारे दुर्गुण दुरित दोषों से हटाओ, शुभ असत से सत की, तमस से ज्योति की, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ऐसी प्रार्थना पूर्ण हृदय से भगवान की शरणागति में अनन्य भक्ति, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। अनन्य भक्ति से भगवान की शरणागति में भगवान ही को जाने सब और से, भगवान ही को देखे और भगवान में ही प्रविष्ट रहे, आविष्ट रहे, आकृष्ट रहे, भगवान में ही प्रतिष्ठित। एकाग्रता, एक ब्रह्म में सर्वोपरि निष्ठा, स्वीकार्यता सब और से भगवान को आत्मसात करना, भगवान से स्वयं को अभिभूत आशीषित अनुभव करना, भगवान के आलिंगन में आश्रय, भगवान की शरणागति में संसार का सब सुख सब शांति सब आनंद सब शक्ति मजबर बरस रही हो, सब दिशाओं से प्रभु की सन्निधि में आश्रय, ऐसे प्रभु के आशीषों सदा आशीषित रहे। यदग्नि श्याम अहम त्वम त्वम वाग्भा श्याम स्युष्टि सत्यायाश। एकाग्रता स्वीकार्यता और तीसरे चरण है दिव्यता, फिर प्रभु की सारे दिव्यताओं से हम युक्त हो जाते हैं, सहज प्रभु अपना दिव्य ऐश्वर्य प्रदान कर। भगवान ने सामान्य शक्ति तो सबको दी हुई और उसमें भी कितना सामर्थ्य है, संसार में कितने बड़े बड़े सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक साम्राज्य हम खड़े कर लेते हैं, लेकिन एक और विशेष शक्ति है जो प्रभु की भक्ति से मिलती है, इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान, दिव्य भक्ति, दिव्य शक्ति, दिव्य सुख, दिव्य शांति, दिव्य जीवन, सब प्रकार की दिव्यता की प्राप्ति और सब अशुभ की समाप्ति, रोगों की, व्याधियों की, दुख की, दरिद्रता की समाप्ति। और ये अनुभूति सबकी है, ये अनुभूति मेरी है, ये अनुभूति मेरे पूर्वजों की है, ये अनुभूति सब ऋषि मुनियों की है, सब योगियों की, जिनके शरीर में कोई विशेष व्याधियां, तन दुखी है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, लीवर किडनी खराब है, हार्ट की खराबी है, मोटापा है, मधुमेह है, सोडियम एसोटोमेन डिजीज है, व्याधियां हैं, तो फिर प्राणायाम पूर्वक ध्यान करना कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करो, एक घंटा ध्यान करो और भगवान की शरणागति में बस। इतना तो सबको आता ही है ना, कोई नाम, कोई मंत्र, कोई प्रार्थना, कोई भजन कीर्तन नहीं आता है, तो इतना बस प्रभु से कह देना, प्रभु बस मैं आपका हूं और आपके आश्रय में, आपके सिवा मौलियाएंगे। कपाल भाति, अनुलोम विलोम, ऐसे पांच पांच मिनट कर ही लेना तो तन मन चित्त चेतना आत्मशुद्ध हो जाते हैं। प्राणायाम की ये भी तो बड़ी महिमा है, तो अष्टांग योग
क्रम से ऐसे अभ्यास करना कि मुझे यम नियमों का ही पालन करना है। यम नियम ही भगवान के विधान है, यही वेद के विधान है। यम नियम ही आध्यात्मिक मूल्य, मानवीय मूल्य है, नैतिक मूल्य है, यही भगवान का पथ है। यम नियमों का अनुष्ठान करते हुए, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाते हुए ऐसे हम क्रम से आगे बढ़ते रहे। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वो सारे जग का, मालिक है वो सारे जग का, वही एक सबका रखवाला, वही एक सबका रखवाला। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। दाता से इतना ही पाओ, श्रद्धा भाव से ही अपनाओ। दाता से इतना ही पाओ, श्रद्धा भाव से ही अपनाओ। जो पाओ संतोष रखो, जो पाओ संतोष रखो, पर धन पर मत ललचाओ। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। नेक काम करना जीवन में, फल की चिंता न हो मन में। नेक काम करना जीवन
जीवन में फल की चिंता न हो मन में, धीरज रखना अपने दुख में, धीरज रखना अपने दुख में, जलना नहीं पराए सुख में, ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। फल की चिंता न हो मन में, नेक काम करना जीवन में, फल की चिंता न हो मन में, धीरज रखना अपने दुख में, धीरज रखना अपने दुख में, जलना नहीं पराए सुख में, ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। तू भी है ईश्वर का प्यारा, उसका ही है एक सहारा, उसका ही है एक सहारा, सूरज चांद और तारे चलते, सूरज चांद वो तारे चलते, पाकर उसका एक इशारा, ईश्वर का ही जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा, मालिक है वो सारे जग का, मालिक है वो सारे जग का, वही एक सबका रखवाला, वही एक सबका रखवाला, ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा, ईश्वर से कुछ भी न्यारा, वही एक सबका रखवा। ऐसे एकाग्रता पूर्वक नाम से, मंत्र से, भजन से, कीर्तन से, भाव से, विचार से, श्रद्धा से ध्यान लगाना, इसी को भाव समाधि, संकल्प समाधि, सुविचार समाधि, भगवान का भजन, भक्ति, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ध्यान, समाधि कहते हैं।
किसी किसी का तो तुरंत ध्यान लग जाता है, जिसका मन इधर उधर अटका हुआ है भटका हुआ है, उसको एकाग्र करने के लिए फिर विवेक का वैराग्य का षटकर शब्द शमदमो पर दीक्षा श्रद्धा समाधान का मुमुक्षत्व का आश्रय लेते हैं। अभी से त्याग समर्पण प्रभु के लिए तड़प, अभी से दीक्षा मुक्ष, और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आती उनको हटाते हैं विवेक बोधपूर्वक जागरूकता पूर्वक अभ्यास पूर्वक और प्रभु में मन को टिकाते हैं। या तो निरस्त करते हैं या तो उनको रूपांतरित करते हैं। सब जो भी विकार है, जो भी संकल्प है, जो भी इच्छाएं हैं, उनको भगवान में रूपांतरित कर देते हैं। फिर किसी का मन टिक जाता है तो फिर नींद आने लगती है, क्योंकि चित्त दो ही चीज जानता है, सोचना और सोना। सोचना विचारना खत्म हुआ तो फिर सोने लगते हैं। इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि वो ये कपाल भाती करते रहे और मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज सहस्रार चक्र में ध्यान करते रहे तो देह देवालय शिवालय हो जाएगा, अष्ट चक्र जागृत हो जाएंगे। जिनका चित्त बहुत चंचल हो तीव्रता से करे, सहज है धीरे कर ले, और व्याधियां बहुत ज्यादा है तो कपाल भाती अनुलोम विलोम आधा घंटा करते भी ध्यान करे ओंकार का गायत्री का तो व्याधि भी मिट जाएंगे, समाधि भी लग जाएगी। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से जब प्राणायाम होगा तो अपने आप कुंडलिनी जागरण शक्तिपात की क्रिया, अलग अलग जो आध्यात्मिक अनुभूतियां स्वतः होंगी। जिनको नींद तो नहीं आती लेकिन ध्यान में प्रवेश नहीं होता, माने निर्विचार नहीं हो पाते, एक वो स्थिति जहां सारे विचार खत्म हो जाते और दिव्य विचार दिव्य ज्ञान दिव्यता उतरती है, तो फिर थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर ले, निर्विचार वैशारत अध्यात्म प्रसाद हरितम प्राधत्र प्रच्या शुक्रमान प्रच्याभ्याम अन्य विषय विशेषार्थवाद्य संस्कार अन्य संस्कार तस्याप निरोधे सर्वधा निर्वेद। एक ये बहुत ऊंची स्थिति है जहां निर्बीज होकर के निर्विकल्प होकर के निर्विचार होकर के और फिर उस भगवान की दिव्यता को उतरता हुआ अनुभव करते हैं, उसके साथ एक आत्मा होकर तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप होकर के ब्रह्म में ब्रह्म जैसे ही हो जाते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। धीरे धीरे इन स्थितियों को उपलब्ध हो और अंतिम एक ही बात ध्यान की, ध्यान के समय जो हमारी चित्त की स्थिति बनती है भगवान में, यह हमारी स्थिति यह हमारी स्मृति टूटे नहीं, छूटे नहीं, हटे नहीं, मिटे नहीं, हम ऐसे ही प्रतिष्ठित रहें, ध्यान अवस्थित रहें, यह एहसास रहे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं सदा सदा के लिए उसी की, और उसी के नाते हमें पूरा जीवन जीना है, उसी के नाते सब संबंधों को निभाना है, स्वरूप में रह करके स्वधर्म में आत्मधर्म में ब्रह्म धर्म में रह करके ब्रह्मनिष्ठ रह करके अपने कर्तव्य निष्ठा को हमें पूरा करना है। बस यही है 24 घंटे का योग, 24 घंटे का ध्यान, 24 घंटे की समाधि, सहज समाधि, जीवन मुक्ति, ऐसे हम सबका जीवन हो, ऐसे प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के ध्यान को विराम दें।